शाश्वत तीर्थाधिराज श्री शत्रुंजय महातीर्थ की मोक्षदायिनी छत्र छाया में पंजाब की श्री परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के आचार्य पद शताब्दी वर्ष के अंतर्गत ऐतिहासिक विमलाचल वल्लभ शरणम चातुर्मास 2024 हेतु श्रमण श्रमणी वंत का चातुर्मास प्रवेशोत्सव। यह चातुर्मास प्रवेश है वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब, ज्ञान प्रभाकर परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब एवं तत्व चिंतक परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब का, जो कि 17 जुलाई को विशाल जन समूह के बीच भव्याति भव्य रूप से हुआ। मंगल प्रवेश के दौरान महिला एवं पुरुष गुरु भक्त दोनों भरपूर उमंग और उल्लास से भरे नजर आए। सभी ने सुंदर परिधान में बंध कर आचार्य संघ का भव्य स्वागत किया। इस दौरान अनेकों बैंड मंडलियां और नृत्य कलाकार भी शामिल थे, जो अपनी कलाबाजी और मंगल उद्घोष से समूचा वातावरण गुरु भक्ति में बना रहे थे। प्रवेशोत्सव को देखकर ये स्वतः प्रतीत हो रहा था कि विमलाचल वल्लभ शरणम चातुर्मास समिति के सदस्यों ने भी इस प्रवेशोत्सव को यादगार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है और इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित ही ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से संपन्न होगा। प्रवेश यात्रा में पूज्य गुरु भगवंतों के दर्शनों को लाभ लेने के लिए लुधियाना पंजाब से भी अनेकों गुरु भक्त बैंड के साथ पधारे थे और सभी के दिलों में गुरु के प्रति अपार गुरु भक्ति थी।
तभी सौभाग्यवती महिलाएं कलश लेकर चल रही थी, तो वहीं पुरुष मंगल जयकारों के साथ उत्साह वर्धन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी गुरु की भक्ति में मग्न थे। जगह जगह गुरु भगवंतों का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ललायत नजर आए गुरुदेव ने भी मंद मंद मुस्कान के साथ सभी को भरपूर आशीर्वाद दिया। मार्ग में गुरुदेव ने भव्य जिनालय में विराजमान परमात्मा के दर्शन भी किए। परमात्मा के दर्शन करने के बाद जब आचार्य भगवंत बाहर आए तो सौभाग्यवती महिलाओं ने उनकी परिक्रमा देखकर कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। अवसर पर पूज्य साध्वी भगवंत भी मंद मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़ रही थी और सभी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद दे रही थी। एक जगह और रुककर सभी गुरु भगवंतों ने पंजाब की श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब की भव्य प्रतिमा के दर्शन किए।
प्रतिमा के दर्शन करने के बाद सभी पुनः कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ निकले। प्रतिमा के दर्शन करने के बाद सभी पुनः कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ निकले। कुछ ही दूर चलने के बाद सभी कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ विशाल पंडाल में रैंप के दोनों ओर गुरु भक्त सैकड़ों की तादाद में उपस्थित थे। सभी गुरु दर्शन को ललायत थे और जैसे ही गुरु भगवंत का मंगल प्रवेश हुआ तो सभी ने खड़े होकर गुरुवर का अभिवादन किया। गुरुदेव भी अपने भक्तों की भक्ति देखकर बेहद प्रसन्न हुए और सभी को आशीर्वाद देकर वे मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचकर आचार्य संघ ने गुरु प्रतिमा के दर्शन किए। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव उच्चासन पर विराजमान हुए और सभी भक्तों ने गुरु वंदन किया। फिर पूज्य आचार्य भगवंत ने मंगलाचरण कर धर्म सभा की मंगल शुरुआत की। बहुत ही सुहाना दिन है। शत्रुंजय दादा की असीम कृपा हुई है, गुरु वल्लभ की अनन्य कृपा हुई है।
वर्षों वर्षों की हमारी विनंती को स्वीकार कर पूज्य गच्छाधिपति जी अपने अग्रज बड़े भैया स्वर्ण संत गोड़वाल भूषण ज्ञान प्रभाकर भोले बाबा श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज ज्येष्ठ शिष्य गुरुदेव के प्रखर प्रवचनकार प्रखर वक्ता तत्व चिंतक आचार्य भगवान श्रीमद विजय चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब एवं सुविशाल साधु जी साध्वी जी वृंद के साथ इस पालीताना की पवित्र धरती पर इस वर्ष का वर्षावास तप जप आराधना के साथ आज पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं उनके श्री चरणों में कृतज्ञता प्रकट करता हूं। इतनी भीषण गर्मी में इतने लंबे लंबे विहार करके अपनी तबीयत की परवाह किए बिना एक ही लक्ष्य था कि हमें पालीताना पहुंचना है। इस मंगल अवसर पर चातुर्मास की जो मुख्य आधार स्तंभ बने हैं ऐसे परम गुरु भक्त राजकुमार जी ने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और अपने भाव व्यक्त किए। उसके साथ ही गुरु आत्म गुरु वल्लभ गुरु समुद्र गुरु इंद्र दिनसुरी और हमारे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान नित्यानंद जी आचार्य भगवान जयानंद जी तत्व चिंतक आचार्य भगवान चिदानंद जी मुनि महाराज गणी जी महाराज उपन्यासवर साध्वी जी महाराज आप सबको कोटिश कोटिश वंदन करता हूँ। इसके साथ ही हिंदुस्तान से आए हुए सभी श्रावकों को मैं जय जिनेंद्र बोलता हूँ। ये हमारा परम सौभाग्य है। गुरुदेव को हमने विनती करी पंजाबी धर्मशाला की ओर से, गुरुदेव आपने पूरे हिंदुस्तान में चतुर्मास किए हैं, हमारी भावना है जो गुरु वल्लभ ने धर्मशाला 47 में बनाई थी उसमें आप आकर चतुर्मास करो और हमें ये लाभ दो। गुरुजी ने हमारी विनती को स्वीकार किया, अब वो पधारे। पालीताना में आज खुशी आ गई, क्यों? नित्यानंद सूरी की सवारी आ गई, नित्यानंद सूरी की सवारी आ गई। पालीताना में आज खुशिया छा गई, पालीताना में आज खुशिया छा गई। बोलिए नित्यानंद सूरी की सवारी आ गई, नित्यानंद सूरी की। तत्पश्चात अन्य गुरु भक्तों ने भी गुरु के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। समता श्री जगत श्री जी महाराज की सुशिष्या प्रवर्तनी साधु श्री हेमलता श्री जी महाराज साहब, शासन सुरभि साधु श्री प्रज्ञलता श्री जी महाराज साहब, वल्लभ ज्योति साधु श्री ज्योति प्रज्ञा श्री जी महाराज आदि ठाणा 9, माकपट द्वारिका साधु समता श्री जी महाराज के परिवार की संयम स्थवरा साधु दर्शन श्री जी महाराज आदि ठाणा 3, सुविशुद्ध संयमाराधिका साधु श्री जिनेन्द्र श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साधु श्री रत्नत्रय श्री जी महाराज आदि ठाणा 3, शासन दीपिका मेहत्रा साधु श्री सुमंगला श्री जी महाराज साहब की प्रशिष्या तथा सुमंगल कुसुम श्री जी सरल स्वभावी साधु श्री रत्नशिला जी महाराज आदि ठाणा 4, पुण्यमूर्ति साधु श्री दान श्री जी महाराज की साधु जी प्रधान श्री जी महाराज की सुशिष्या संयम स्थविरा साधु श्री प्रबोध श्री जी महाराज आदि ठाणा, सरल मना साधु श्री नरेंद्र श्री जी महाराज की सुशिष्या साधु श्री शील धर्म श्री जी महाराज आदि ठाणा 5, शासन दीपिका मेहत्रा साधु श्री सुमंगला श्री जी महाराज साहब की प्रशिष्या प्रवचन कारिका साधु श्री पूर्ण प्रज्ञा श्री जी महाराज आदि ठाणा 7, संयम स्थवरा साधु श्री चंद्रशेखर श्री जी महाराज की सुशिष्या सरल स्वभावी साधु श्री विराग जशा श्री जी महाराज आदि ठाणा। इतनी विशाल संख्या में श्रमणी वृंद यहाँ पर उपस्थित है और इस चतुर्विग संघ में और आज जो चातुर्मास
हो रहा है। श्री शतरंजय तीर्थ प्यारा, सारे जहां से प्यारा है। गुरुदेव आपके चरणों में शत शत वंदन हमारा है। गुरुदेव आपके चरणों में शत शत वंदन हमारा है। श्री शतरंजय तीर्थ प्यारा, सारे जहां से प्यारा है। इस क्रम में आगे कणिवर्य श्री जयकीर्ति विजय जी महाराज साहिब ने अपने विचार व्यक्त किए। ऋषि मंडल स्तोत्र जो कि ऊर्जावान स्तोत्र है, जिन शासन में यंत्र मंत्र और तंत्र तीन तरह की विद्याएं जिन शासन में है, और तीनों का समावेश इस ऋषि मंडल स्तोत्र में है। ऋषि मंडल स्तोत्र केवल मंत्र ही नहीं, इस मंत्र के साथ में विद्या का संयुक्त समावेश भी इसके अंदर किया गया है। ऐसा यह ऋषि मंडल स्तोत्र अगर किसी के द्वारा लिखित है, किसी ने इसकी रचना की है, तो वे हमारे जिन शासन के प्रथम गणधर अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी द्वारा रचित यह स्तोत्र है। इस स्तोत्र को हम हर समय किसी भी कोई भी उपध्यान तप की आराधना हो, कहीं पर भी हो, यह ऋषि मंडल स्तोत्र विशेष रूप से हर आराधक को गुरुमुख से सुनवाया जाता है। जो गुरुमुख से सुन लेता है यह स्तोत्र, किसी भी तरह की आदि व्याधि उपाधि उसके जीवन में नहीं आती। ऐसा यह महाप्रभावशाली ऋषि मंडल स्तोत्र और इसका संपूर्ण विधान को लेकर बहुत अनेक रचनाएं पूर्व काल में हुई, अनेक विद्वानों ने अनेक रचनाएं रचित की इसके ऊपर। मैंने भी एक छोटा सा स्तुत्य प्रयास किया और संपूर्ण ऋषि मंडल स्तोत्र के सभी आगमों के द्वारा जो जो आगम में नियुक्त है उन सभी के चित्र, किस किस तरह से कौन कौन से देव देवी के किस किस हाथ में क्या क्या है, उन सभी को लेकर बहुत सुंदर चित्रों को भी बनवाया है। ऐसे सभी चित्रों को बनवा कर यह ऋषि मंडल स्तोत्र कल्प एक बहुत अच्छे ढंग से केवल विवेचन ही नहीं किया, अंग्रेजी में अनुवाद ही नहीं किया, हर तरह की उसकी उपयोगिता कैसे हो सकती है, ऋषि मंडल स्तोत्र को हम किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं, संपूर्ण व्याख्या सहित इस पुस्तक के अंदर मैंने समावेश करने का प्रयास किया। लगभग 6 वर्ष हो गए, लगभग 6 वर्षों से यह कार्य मैं कर रहा हूं, और 6 वर्षों के बाद आज इस पुण्य भूमि पर इस पुस्तक का कार्य संपादित हुआ है, पूर्ण होने जा रहा है। अभी और भी इसके कार्य बाकी है, लेकिन समय जितना लगाए उतना ही कम है। ऐसा यह महाप्रभावशाली ऋषि मंडल स्तोत्र का बहुत सुंदर यह पुस्तक का विमोचन आज पूज्य गुरुदेव की निश्रा में यहाँ पर होने जा रहा है। कार्यक्रम में आगे गुरुदेव द्वारा रचित श्री ऋषि मंडल स्त्रोत कल्प पुस्तक एवं विजयानंद पत्रिका का विमोचन किया गया।
प्राणाधार हमारे प्रादस्मरणीय न्यायमूर्ति जैनाचार्य श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब को 137 वर्ष पूर्व आचार्य पदवी से नवाजा गया था 35,000 की जन्मेदिनी में। ये आज तक का रिकॉर्ड है। उस समय मात्र 16-18 करोड़ की पॉपुलेशन थी भारत की, और ना संचार के साधन थे और ना यातायात के साधन थे, और उस दशा में भी 35,000 लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि 262 साल के बाद जैन साधुओं में से कोई ऐसा साधु समाज को नजर आया जिसे आचार्य के पदवी के लिए के योग्य समझा गया। तो ऐसे गुरुदेव के नाम से हमारे पत्रिका चलती है विजयानंद, जो पिछले 1956 से तो विजयानंद के रूप में और 1935 से आत्मानंद के रूप में आदम वल्लभ संदेश भाग का कार्य कर रही है। आदम वल्लभ समुदाय के समस्त समाचार, उसके साथ साथ जैन समाज के और जैन गतिविधियों के और अन्य भी समाचार, अन्य भी आर्टिकल्स इस पुस्तिका में प्रेषित किए जाते हैं। इस दौरान पूज्य मुनिराज मोक्षानंद विजय जी ने भी अपने विचार रखे। गुरु वल्लभ की विश्व की सबसे बड़ी पाषाण प्रतिमा, गुरु वल्लभ की उम्र 84 वर्ष थी, तो 84 इंच की पाषाण निर्मित सबसे बड़ी गुरु वल्लभ की खड़ी प्रतिमा भगवान महावीर की जन्मभूमि क्षत्रिय कुंड लछवाड़ में भगवान महावीर हॉस्पिटल के प्रांगण में हमारे गुरुदेव गच्छाधिपति गुरुदेव ने गत वर्ष ही स्थापित की है। बोलो विजय वल्लभ श्री पर जी गुरुदेव की जय। जो भगवान महावीर हॉस्पिटल एक छोटे रूप में चलता था, गुरुदेव को बिहार सरकार के मंत्री प्रयागराज चौधरी ने 20 वर्ष पहले गुरुदेव की जन कल्याण की भावना को देख करके और कहा था, गुरुदेव आप इस क्षेत्र पर यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए अगर कोई कार्य करना चाहते हो तो मुझे आदेश दीजिए। गुरुदेव ने कहा, प्रयागराज जी आप मंत्री हैं, आप भूमि राजस्व मंत्री हैं, भूमि आप दीजिए, काम मैं करवाऊंगा। उसने बोला, गुरुदेव कितनी जमीन चाहिए? 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, वो बोलता ही जा रहा है। गुरुदेव ने कहा, अरे प्रयागराज जी मुझे पूरा गांव थोड़ी लेना है, अरे मुझे तो 5 एकड़ जगह बहुत है, और ये जगह नहीं कि आप मुझे जंगल में कहीं 10-12 किलोमीटर दूर पकड़ा दो, हम कैसे संभालेंगे? हमें यदि संस्था चलानी है, लोक कल्याण का कार्य करना है, तो हमारी जो लछवाड़ का मुख्य मंदिर है, हमारी जो मुख्य धर्मशाला, हमारी जो मुख्य पेड़ी है, उसके बिल्कुल पास में यदि जगह मिलेगी तो हम अवश्य हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे। और गुरुदेव के आदेश पर भूमि राजस्व मंत्री ने अगले ही दिन 5 एकड़ जगह नाप तोल करके और वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित करी। गुरुदेव ने आत्म वल्लभ जन कल्याण ट्रस्ट का निर्माण करवाया और वो जगह उनको सौंपी, और आज उसके माध्यम से उस पूरे जमुई जिले के पूरे प्रांत का वो सेवाएं दे रहे हैं। तत्पश्चात पुण्यशाली नरपत राय खैराती लाल एन के कौसको परिवार गुड़गांव दिल्ली वालों ने सभी आचार्य भगवान एवं अन्य श्रमण श्रमणी वंदों को कामली भेंट करने का महान पुण्यार्जन प्राप्त किया। ये पुण्यशाली परिवार राम पर भक्ति करते हुए मंच पर आया और गुरु भगवंतों को कामली उड़ाकर अपना जीवन सफल कर लिया। चातुर्मा समिति ने इस पुण्यशाली परिवार का स्वागत अभिनंदन भी वात्सल्य भावों से किया।
आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब ने अपने मधुर भावों को व्यक्त किया। वाई के गुप्ता ने जो शारदा यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसमें लगभग 100 देशों के बच्चे वहाँ पर अध्ययन करते हैं, विशाल तब भव्याति भव्य यूनिवर्सिटी अपने माँ के नाम से शारदा यूनिवर्सिटी बनाई है, और उसमें भी जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को जो जोड़ता है, उसको जो विशाल पुल जो बना है, उसका नाम भी विजय वल्लभ पुल का निर्माण हुआ था, मैंने उसका उद्घाटन कराया। और साथ ही पहले एक जनरल हॉस्पिटल जो 1200 बेड का हॉस्पिटल था, उसके साथ ही साथ कैंसर का स्पेशल एक मल्टीपाइजर हॉस्पिटल जो बनाया लगभग 650 बेड का, उसका भी मैंने उद्घाटन कराया। और अभी उनकी वापिस भावना है कि साथ में जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही, जिसमें लगभग 350 डॉक्टर रहेंगे, 350 डॉक्टर जिस 15 माल की बिल्डिंग में रहेंगे, उस बिल्डिंग का नाम भी उन्होंने विजय वल्लभ टावर नाम देने का निर्णय लिया है। और साथ ही 550 छात्रों का एक बहुत विशाल छात्रावास बनने वाला है, जो भी बच्चे जो डॉक्टर बनने वाले हैं वहां पर विशेष अध्ययन प्राप्त करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, ऐसा 550 विद्यार्थियों का मेडिकली जो छात्रावास बनने वाला है, उसका नाम भी अभी अभी मुझे वाईके साहब कह के गए कि गुरुदेव उसका नाम भी विजय वल्लभ छात्रावास नाम आप रख दें, मेरी ओर से आप डिक्लेयर कर दें। तो ऐसे उनकी जो आदर्श गुरु भक्ति है, वैसे भी वाईके गुप्ता आगरा के थे और आसपास जैन परिवारों में रहते थे, सभी का आपस में बहुत संघ का रंग चढ़ा और वह भी जैन धर्म से प्रभावित हुए, मेरे संपर्क में आए और उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया, वह जैनी बने और आगरा श्री संघ के सदस्य भी बने। उनकी भावना है कि शारदा यूनिवर्सिटी जैन माइनॉरिटी में स्टेटस को प्राप्त हो, उनकी भावना भी सफल हो। मैं बहुत बहुत वाई के गुप्ता की भी खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। अपने जगाधरी से अरुण भाई हैं क्या? जगाधरी से अरुण भाई शायद निकल गए लगते हैं। जगाधरी में भी अभी मंदिर और मंदिर के साथ में उपाश्रय का निर्माण हुआ, उपाश्रय हॉल के ऊपर काफ़ी कमरे वगैरह बने हैं, उसका लाभ भी सब विभिन्न लाभार्थियों ने लिया, और केवल जगाधरी के गुरुभक्तों ने ही लिया। नीचे एक हॉल का रेनोवेशन होना है, उसको बहुत व्यवस्थित रूप देना है, आधुनिकतम सुविधाओं से संपन्न करना है, और उसके लिए भी कल मुझे विनंती की थी, गुरुदेव आप प्रेरणा दें, हमारा ये कार्य हो जाए। मैंने कहा और किसको क्या प्रेरणा दे, आप ही लाभ ले लीजिए, आप ही काम पूरा लाभ लेकर के कर दीजिए। तो उन्होंने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। तो नीचे का जो विशाल हॉल है, उस विशाल हॉल का पूरा रेनोवेशन जो भी लाभ लगेगा, लगभग 21 लाख रुपये की राशि हमारे जय गणेश इंडस्ट्री वाले हमारे श्रीपाल जी के सुपुत्र अरुण भाई, हाँ अनु भाई रेणुबेन परिवार ने लिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय काफ़ी हो चुका है, हमारे पंजाब का बहुत ही पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार है ये, और मेरे तो दिल से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से इस भक्त परिवार के मन में गुरु बैठे हैं, तो गुरुओं के मन में यह भक्त परिवार बैठा हुआ है। मैं उस पल को नहीं भूलता, इस पालीताना की पुण्यभूमि पर 31 वर्ष पहले हमारे समुदाय के कुछ संतों की पदवियां हुई थी, और उसमें रत्नाकर सूरी जी महाराज, जगत चंद्र सूरी जी महाराज और मेरे भी साथ में आचार्य पदवी हुई थी, वसंत श्री महाराज साहेब एवं वीरेंद्र विजय जी महाराज को उपाध्याय पदवी हुई थी, बहुत ही विशाल भव्य आयोजन था। और उस समय मेरी आचार्य पदवी के निमित्त जो कामली का चढ़ावा हुआ था, उस कामली का सर्वोच्च चढ़ावा लेने का लाभ इसी भाग्यशाली परिवार का था। श्रीमान सुरेंद्र पाल जी जैन परिवार, कोहिनूर रबड़ वाले, बहुत ही एक भाग्यशाली परिवार, और मेरे जालंधर के चातुर्मास को भी ऐतिहासिक बनाने में इस परिवार का बहुत अहम योगदान रहा। अभी मणिलक्ष्मी तीर्थ में भी ट्रस्टी के रूप में सबसे पहले नाम इसी भाग्यशाली परिवार का आया, और उसके साथ ही प्रतिष्ठा जो मणिलक्ष्मी तीर्थ की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा ही, उस दिन भी प्रतिष्ठा का संपूर्ण, प्रतिष्ठा के दिन का संपूर्ण नाश्ता, स्वामी वत्सल, शाम का भोजन, टोटली लाभ प्रतिष्ठा के दिन का इसी भाग्यशाली परिवार ने लेकर के दिया। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब, आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब एवं तत्व चिंतक आचार्य श्रीमद विजय चिदानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब सहित अनेक साधु साध्वी वृंदों का श्री आत्मानंद जैन पंजाबी यात्रिक भवन पालीताना में चातुर्मास हेतु भव्य मंगल प्रवेश। हम आशा करते हैं कि ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ सम्पन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों जीवों का कल्याण हो। जय जिनेन्द्र।